हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा की तरफ से आने वाली न्यूली लॉन्च कार पंच वर्सेस रेनो काइगर। अब अगर सेगमेंट की बात करें तो पंच एक माइक्रो एसयूवी है एंड वहीं पर काइगर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो कि आपको विद इन 4 मीटर की लेंथ में मिल जाएगी। अब वेरियंट की बात करें तो दोनों ही कार्स का हम देखने वाले हैं बेस वेरियंट। फ्रंट साइड से स्टार्ट करें तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको हैरियस इंस्पायर्ड इसके हेडलैम्प्स मिलेंगे जो कि हेलोजन के अंदर आएंगे। दोनों ही कार्स के अंदर आपको डीएल्स मिल जाएंगी लेकिन पंच के अंदर जो मिलेंगी वो हेलोजन के अंदर रहेंगी। नीचे से बात करें तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको फॉग लैंप्स भी मिसिंग मिलेंगे। अगर ग्रिल की बात करें तो पंच के अंदर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी, वहीं पर काइगर के अंदर आपको रफ ब्लैक फिनिश मिलेगी। अब साइड से बात करें तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको फुल बॉडी क्लैडिंग मिल जाएगी एंड अगर बात करें डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स की तो वो ब्लैक कलर के अंदर रहेंगे। अब टायर साइज की बात करें तो पंच के अंदर आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील मिलेंगे विदाउट एनी व्हील कवर्स, वहीं पर रेनो काइगर के अंदर आपको एक तो 16 इंचेस के स्टील व्हील मिलेंगे एंड ऊपर से इसके अंदर आपको व्हील कवर्स भी मिल जाएंगे। अब अगर बात करें एक और फीचर की तो काइगर के अंदर आपको रूफ रेल्स भी मिल जाएंगी एंड अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो काइगर के अंदर आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, वहीं पर पंच के अंदर आपको 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। दोनों ही कार्स के अंदर आपको काफ़ी सारे स्टाइल एलिमेंट्स मिलेंगे। पंच के अंदर आपको जो रियर डोर हैंडल मिलेगा इसी पिलर पर प्लेस मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं रियर साइड से। रियर से देखें तो काइगर के अंदर आपको दो एडवांटेज मिल जाती हैं। एक तो इसके अंदर आपको एलईडी टेल लैंप्स मिल जाएंगे एंड अगर बूट स्पेस की बात करें तो काइगर के अंदर आपको 405 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, वहीं पर पंच के अंदर आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। अब इंजन ऑप्शन की बात करें तो टाटा पंच के अंदर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 86 PS की पावर निकालता है एंड 113 Nm का टॉर्क। काइगर के इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 72 PS की पावर निकालता है एंड 96 Nm का टॉर्क। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला इंजन काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर्ड है एंड इसकी जगह आपको दूसरा इंजन ऑप्शन देखना चाहिए जो कि रहेगा 1 लीटर टर्बो इंजन जो कि इसके टॉप एंड वेरियंट्स के अंदर आता है। इंटीरियर से बात करें तो पंच के अंदर आपको ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, वहीं पर काइगर के अंदर आपको फुल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। कॉमन फीचर्स की बात करें तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको फ्रंट टू पावर विंडोज मिल जाते हैं एंड मैनुअली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो पंच के अंदर आपको एनालॉग मिलेगा एंड वहीं पर काइगर के अंदर आपको डिजिटल मिलेगा। सेंटर से देखें तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलते और ना ही कोई स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स। नीचे से देखें तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको मैनुअल एसी, 2 बॉटल होल्डर, 12 वोल्ट पावर सॉकेट एंड यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको फ्रंट टू एयरबैग, एबीएस, पीसीबीडी, रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोनों ही कार्स के अंदर आपको फ्रंट टू कैबिन लैंप्स एंड मैनुअल डे एंड नाइट आरवीएम भी आ जाएंगे। पंच के अंदर आपको दो यूनिक फीचर्स मिल जाएंगे जो कि रहेंगे दो ड्राइविंग मोड सिटी एंड ईको एंड साथ ही साथ 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स। रियर से बात करें तो रियर पैसेंजर्स के लिए आपको काफ़ी सारे मिसिंग फीचर्स मिलेंगे जैसे कि एडजस्टेबल हेड रेस्ट, आर्म रेस्ट एंड रियर पावर विंडोज। स्पेस की बात करें तो रेनो काइगर में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेगरूम मिल जाएगा एंड अगर हेडरूम की बात करें तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेडरूम मिल जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप रेनो काइगर का बेस वेरिएंट लेने चाह रहे थे तो एक बार टाटा पंच को ज़रूर देखना क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छा इंजन मिल जाता है एज़ कम्पेरेटिवली टू रेनो काइगर। एंड अगर आपको रेनो काइगर ही लेनी है तो इसका टर्बो वेरियंट लें जो कि ज़्यादा पावरफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।